चरक हॉस्पिटल लखनऊ में किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई है और हमारे पहले मरीज दीपक जी हैं जो एक्स नेवी के एम्प्लॉय रहे हैं और इनकी ट्रांसप्लांट 17 अगस्त 2021 को हुई और मालती जी जो इनकी मम्मी हैं उन्होंने अपना एक गुर्दा इनको दिया। इनकी ट्रांसप्लांट काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई और ये आज डिस्चार्ज जाने वाले हैं। कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई दिक्कत इनको ट्रांसप्लांट में नहीं आई और सब कुछ अच्छा हो गया। हमारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ खासतर, बहुत मेहनत करके इस ट्रांसप्लांट को अंजाम दिए हैं और ये वो वक्त आ गया जब इनके डिस्चार्ज का समय आ गया, ये घर जाएंगे डिस्चार्ज के बाद। आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रांसप्लांट के बारे में? मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं एक्स इंडियन नेवी डिफेंस एम्प्लॉई हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट 17 अगस्त को चरक हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लखनऊ में हुआ है। मेरी मदर ने मुझको किडनी दान करी है और यहाँ जो ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल हुआ है और यहाँ के जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, उन्होंने मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है और मेरे को कोई परेशानी होने नहीं दी है और अभी इस समय मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ और आज मेरा डिस्चार्ज है और अभी सेहत में काफ़ी सुधार महसूस हो रहा है। मैं चरक हॉस्पिटल और यहाँ के स्टाफ का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने अच्छे से मेरा ख्याल रखा है। मेरा नाम मालती देवी है, मैं पेशेंट की मम्मी हूँ दीपक सिंह की और मैंने अपनी किडनी बेटे को अपने दान करी है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया है, इसमें कोई राय दो राय नहीं है कि डॉक्टर साहब के जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे हैं। करीब मैं 5-6 महीने से उनके संपर्क में थी, व्यवहार भी डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा है, वैसा ही उन्होंने अपना स्टाफ रखा हुआ है। मैं सब बच्चों के लिए बहुत, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, पूरे जी जान से लगे हुए थे बच्चे हम सब की सेवा करने में दोनों की, मैं चाहूँगी यही स्टाफ इनका आगे और बढ़ता रहे। ऐसे ही यही शुभकामना के साथ मैं सबको धन्यवाद देती हूँ।